अरे कौन बात का जल्दी है इतना? हाँ, आज हमको स्कूल में गांधी कथा वाचन करना है। सत्यनारायण कथा वाचन सुने थे, ये गांधी कथा वाचन का है? जब सुनोगी ना मम्मी सब भूल जाओगी। अरे हमको कौन सुनाएगा चंपा बेटा? मैं सुनाऊंगी, लेकिन आज देर हो जाएगी तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी ना। कैसे लेट होगी मेरी बच्ची? सुनते हैं चंपा के पापा, बेटी को स्कूल छोड़ाइए। अच्छा जा रहे हैं कपड़ा बदल के। गांधी जी के बारे में ना हम बहुत कुछ सुने हैं, बाकी कुछ पढ़े नहीं है उनका बारे में। कितना खुशी का बात है कि तुम लोगों को गांधी जी के बारे में इतना कुछ बताया जा रहा है। बाकी कथा वाचन का होता है? इस किताब में बापू के जीवन से जुड़ी कई कहानियाँ हैं और सभी कहानियों में अच्छा और सच्चा बनने की प्रेरणा देती है। लो, चलो तुम्हारा स्कूल आ गया। आज सोमवार है, सुनिए गांधी कथा। तप का मतलब होता है जलना, जैसे अगड़ी के ऊपर पकने के लिए रखा चावल धीरे धीरे भात बन जाता है। महात्मा गांधी का जीवन ही अपने आप में एक महान दर्शन है। उनकी कर्म यात्रा वैसे तो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक है, पर बिहार वासियों के लिए इसका महत्व असीम है। इतिहास गवाह है इस सत्य का कि इसी बिहार ने संपूर्ण भारतवर्ष को गांधी का परिचय दिया। वो कहते थे, इस सत्याग्रह के पहले न तो मैं चंपारण को जानता था, न पूरे चंपारण में कोई मुझे, पर यहां आकर मुझे लगा कि मैं यहां के लोगों को सदियों से जानता हूं। इस ऐतिहासिक आरंभ का सत्यापन करते हुए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, चंपारण में महात्मा गांधी के सत्याग्रह प्रयोग की सफलता स्वतंत्रता संग्राम का पूर्वाभ्यास था। यूं तो चंपारण सत्याग्रह की स्मृति में 2017-18 शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया, पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू और बिहार के इसी अविस्मरणीय संबंध को बिहार के मानस और चरित्र में आत्मसात करने का सपना देखा। माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से ही एक नई सोच की शुरुआत हुई, गांधी जी की सोच को जन जन तक पहुंचाने की सोच, और यहीं से शुरुआत हुई बच्चों के लिए गांधी कथा वाचन की रूपरेखा तैयार करने की। हम अपनी नई पीढ़ी के मन में अगर गांधी जी के विचारों के प्रति जागृति पैदा कर देते हैं और वो जागरूक हो जाएंगे और एक बार गांधी जी के विचारों के प्रति मन में आकर्षण का भाव पैदा होगा तो ये बहुत बड़ी बात होगी, समाज में परिवर्तन लाएगा। इसलिए हम लोगों ने उसी हिसाब से अनेक कार्यक्रमों को निर्धारित किया और उसी सिलसिले में हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग हर स्कूल में गांधी जी पर कथा वाचन कराएंगे। अब राज्य के सभी सरकारी उच्च विद्यालयों की सुबह की सभा में गांधी जी के जीवन और अनुभव से जुड़ी प्रकाशित पुस्तकों से एक खंड का वाचन कराया जाता है, ताकि बच्चे इन किताबों को खुद पढ़कर उन्हें बेहतर जान और समझ सकें। मोहन साधारण सा छात्र था, न तो बहुत बुद्धिमान और न ही एकदम बुद्धू, शरीर से भी बहुत फुर्तीला नहीं था, खेल कूद में हिस्सा नहीं लेता था, लेकिन पैदल चलने का खूब अभ्यास था। फिर क्या, मोहन में कोई भी खूबी नहीं थी, ऐसा कैसे हो सकता है? हर व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण होते हैं, मोहन में भी थे, उसमें गजब की जिज्ञासा थी। चंपारण सत्याग्रह शताब्दी को असीम उत्साह से मनाना गांधी समर्पण के एक नए दौर की शुरुआत थी। इस क्रम में गांधीवादी विचारकों के साथ विचार विमर्श, गांधी स्मृति यात्रा, गांधी साहित्य प्रकाशन जैसे कई कार्यक्रमों के साथ जहां एक तरफ आयोजन संपन्न हुए, वहीं एक नई सोच की शुरुआत हुई, बच्चों के लिए गांधी कथा वाचन की रूपरेखा तैयार करने की। इस संदर्भ में ये कहना बिल्कुल सार्थक होगा कि मुख्यमंत्री की ये सोच कि बचपन में पढ़ी
लिखी सुनी और समझी बातें ताउम्र याद रहती हैं। बड़ी व्यावहारिक और क्रांतिकारी थी, पर इस सोच को मूर्त रूप देना कोई आसान काम नहीं था। गांधी जी से संबंधित साहित्य और रचनाओं का एक विशाल भंडार तो मौजूद था, पर चुनौतियां कई थीं। पहली थी उनके जीवन के उन प्रसंगों और अध्यायों का चयन करना जो बच्चों के लिए रुचिकर हों, और दूसरी भाषा का सरलीकरण। बापू के बारे में प्रारंभिक जीवन से ही बच्चों में जो कुछ जानने की एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है, उसके तहत वो बापू के बारे में बहुत सारी बातों की जानकारी उसको मिल जाती है कथावाचन के माध्यम से। बापू ने इस देश के लिए क्या किया और अपने बचपन में किस तरह से रहते थे, क्या जीवन था उनका, इसकी पूरी जानकारी बच्चों को दी जाती है। और उसके बाद बहुत सारी बातों को बच्चे लोग जब जानते हैं कि अरे बापू भी बचपन में हमारे ही जैसा थे, और वो जब इतना आगे बढ़े, देश को आज़ादी दिलाई, तो हमको भी बापू के बताए रास्ते पर चलना चाहिए, ये भावना उनमें जागृत होती है। एक था मोहन, ये थी पहली प्रकाशित पुस्तक जो कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए बनी। इस किताब में न सिर्फ छोटी छोटी 40 कहानियां हैं, बल्कि उन्हें रोचक और सजीव बनाने के लिए उनका जीवंत चित्रण भी है। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के छोटे बच्चों के लिए जो पुस्तक तैयार की गई है, उसका नाम है बापू की पाती। 91 पृष्ठों की इस पुस्तक के हर पृष्ठ पर एक छोटी कहानी है, जैसे अ से अहिंसा, क से करुणा, च से चंपारण इत्यादि। इन पुस्तकों से एक कहानी का वाचन हर रोज स्कूल में प्रार्थना सभा के समय किया जाता है। इसका मकसद यही है कि आज की युवा पीढ़ी महात्मा गांधी जी के संदेशों को जाने और अपने जीवन में अपनाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि अगर हमारी युवा पीढ़ी महात्मा गांधी जी के संदेशों को अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो एक अच्छे समाज और एक अच्छे राष्ट्र का हम निर्माण कर सकते हैं। ये दोनों प्रयास अत्यंत प्रशंसनीय और सराहनीय थे, क्योंकि पुस्तकों को अलग अलग आयु वर्ग की ही सोच, समझ और ग्राह शक्ति के आधार पर ही विकसित किया गया। इन दोनों पुस्तकों को विद्वान लेखक सोपान जोशी द्वारा लिखा गया, जबकि इसमें चित्रण का कार्य सोमेश कुमार ने किया था। वरिष्ठ पत्रकार चंपारण निवासी अरविंद मोहन ने वैचारिक सहयोग दिया। साथ ही आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर के प्रबंधन और संयोजन में इन पुस्तकों का निर्माण कार्य संपन्न किया गया। पर शब्द और वाक्य कितने भी सुंदर क्यों न हों, वो तब तक प्रभावकारी नहीं होते जब तक उनका पाठन और उच्चारण सटीक न हो। बच्चों की जिज्ञासा और रुचि बनाए रखने के लिए जरूरी है पाठन में उतार चढ़ाव और आरोह अवरोह का उपयुक्त होना। इसके लिए प्रत्येक जिले से 2-3 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया, फलस्वरूप अत्यंत उत्साहवर्धक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसके अलावा 1.5 करोड़ परिवारों तक गांधी जी के संदेश बापू आपके द्वार को पहुंचाया गया। क्या आप सोच सकते हैं मासूम बच्चों की प्रतिक्रिया जब वो सुनते हैं कि गांधी जी अपने बचपन में अंधेरे, भूत प्रेत और सांप से डरते थे? अरे बापू भी बचपन में हमारे जैसे थे, तो फिर हम उनके जैसे क्यों नहीं हो सकते? बापू के जीवन के ऐसे अध्याय बच्चों को सरलता से ये बता जाते हैं कि विफलता मानव जीवन का सामान्य और स्वाभाविक अंग है, और अपनी कमियों और कमजोरियों से जूझकर उन पर विजय पाने में ही जीवन का सही अर्थ छुपा है। मोहन को केटल शब्द के हिज्जे करना नहीं आया। इंस्पेक्टर की डर की वजह से शिक्षक ने इशारे से कहा कि मोहन दूसरे लड़के से नकल कर ले। मोहन ने नकल नहीं की। कि वर्तमान समय में टीचर हों, माता पिता हों, अभिभावक हों, समाज के बुद्धिजीवी हों, सबको लगता है कि
मूल्य और नैतिकता अभी घटती जा रही है। मेरी राय में उसका एकमात्र समाधान है गांधी कथा वाचन। गांधी ने खुद भी कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। उनके जीवन की घटनाओं को सुनकर के बच्चे सोचते हैं कि नहीं, मैं भी अपने जीवन में संतोष को शामिल करूं, सत्य को शामिल करूं, अच्छाई को शामिल करूं, और जो बुराइयां यदि कहीं से आ भी जाती हैं तो उसके उसको दूर करने की कोशिश करूं। मुझे लगता है कि इस प्रयास से लोग गांधी को जानेंगे और धीरे धीरे एक बेहतर इंसान बनने के लिए हमारे बच्चे कोशिश करेंगे। और यह बड़ा काम इस वर्ष बिहार सरकार और शिक्षा विभाग और जनशिक्षा निदेशालय के माध्यम से किया जा रहा है। शायद इस क्रांतिकारी प्रयास का सबसे यादगार दिन था 11 अक्टूबर 2017, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 800 बच्चों के बीच न सिर्फ इन किताबों की दो कहानियों का वाचन किया, बल्कि बड़ी बारीकियों से इनका अर्थ भी बताकर बच्चों को बापू के जीवन और चरित्र से परिचित करवाया। माननीय मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ पंगत में बैठकर भोजन भी किया। गांधी जी के प्रति तो सबके मन में सम्मान है, लेकिन सम्मान इस प्रकार का है पूजा जैसा। गांधी जी इसके पक्षधर नहीं थे, जो उनके विचार हैं उनको समझिए और अपनाने की कोशिश करिए, अंतरात्मा की आवाज पर चलिए। तो ये गांधी जी ने बताया, तो इसके लिए जरूरी है कि इनके विचार को हम लोग सब तक पहुंचाएं, अपने बच्चों तक पहुंचाएं, हर घर तक पहुंचाएं। और मेरी तो अपनी मान्यता है कि अगर 10-15% भी नई पीढ़ी के लोग अगर गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुए और उसको उन्होंने आत्मसात कर लिया, तो हमारा बिहार ही नहीं पूरा देश बदल जाएगा। जन शिक्षा निदेशालय द्वारा तैयार गांधी कथा वाचन कार्यक्रम अपनी ईमानदारी और समर्पण के सहारे आज 2 करोड़ बच्चों के दिलो दिमाग तक पहुंचकर उनकी बुनियादी सोच को बदल रहा है। जैसा हम सोचते हैं कि कोई इंसान मतलब शुरू से फेल कर रहा है या फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो आगे चल के वही इंसान आगे बढ़ता है। जैसे कि गांधी जी, वो मतलब बहुत तेज भी नहीं थे और बहुत मतलब कमज़ोर भी नहीं थे, लेकिन आज उन्हें कौन नहीं जानता, हर एक बच्चा जानता कि महात्मा गांधी कौन थे। देखा जाए तो ये अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा शैक्षणिक प्रयोग है, जिसके माध्यम से हम गांधी जी के सपनों की दुनिया बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक हो न सका जो उसको करके दिखाना है, चंपारण की गाथा को आगे ले जाना है। बापू को अब बच्चों का आदर्श बनाना है, उनकी सीखों से सबका परिचय करवाना है। दिल से हमने जाना है, माना है, ठाना है, गांधी कथा वाचन को स्कूलों में अपनाना है। गांधी कथा वाचन को स्कूलों में अपनाना है। मुख्यमंत्री लेकर आए हैं बापू की सौगात, गांधी कथा वाचन से ही हो हर दिन की शुरुआत। बच्चों के सर पर सदा रहे गांधी जी का हाथ, उनके दिल में घर कर जाए बापू की हर बात। गांधी जी का सपना सच करके बतलाना है, इस प्रण को पूरा करने का तिलक लगाना है। देश ही नहीं सारी दुनिया को दिखलाना है, गांधी कथा वाचन को स्कूलों में अपनाना।